आप ये काम कब से करते हैं यहाँ? शुरू से। कब से मतलब शुरू से कब से? जब से हम अपना एथी पर हुए तब से, पिताजी के टाइम से। आपके पिताजी ये काम मतलब कि दिए थे? पिताजी दादाजी जब ये काम करते थे आपके पिताजी, उस वक्त आप ये काम करना शुरू किया तो क्या था मतलब उस वक्त माहौल? उस समय महत्व इसका नहीं था, महत्व नहीं था। क्या आपने कैसे कैसा दौर देखा है इसमें, किस तरह की चीजें बनाते हैं आप? मिट्टी से क्या क्या चीज बनाते हैं आप? टोटल सामान बनता है, घड़ा, मटका, गमला, हंडा, हर डिजाइन का सामान बनता है मिट्टी से सामान। तो इस हाँ, पिछले साल कैसा मार्केट था आपके लिए, बाजार कैसा था? ठीक था। कितने मतलब कितना तक बनाए थी ये दियरी? इसका कोई लिमिट नहीं है, 10,000 बनता है, 20,000 बनता है, कोई 50,000 बनाता है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। तो इस बार जिस तरह से मतलब कि चाइना का दीपावली पर विरोध किया जा रहा है और दियरी को मतलब प्रमोट किया जा रहा है, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसको कुम्हार बनाएंगे तो यहाँ का लोग खरीदेगा तो हमारे गांव, हमारे हिंदुस्तान को बिजनेस मिलेगा, हमारे हिंदुस्तान को रोजगार मिलेगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो बढ़ेगा तो ठीक है न है, हम लोग का काम बढ़ेगा तो पैसा प्रॉफिट होगा, हम लोग भी बढ़ेंगे हमारा। यानी आप चाहते हैं कि ये काम बढ़े? हाँ बढ़े। जिस तरह के मोदी सरकार कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया, ये हाँ, भी तो मेक इन इंडिया है। हाँ है नहीं कि मतलब कि गांव में जो बनता है चीजें। हाँ ये तो लघु उद्योग हुआ। हाँ ये तो लघु उद्योग हो गया। अब मान लीजिए कि बेरोजगार में नहीं कोई काम मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, तो अपना टोकरी बना रहा है, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, चाहे कोई अपना 10 गो बकरी लेकर अपना काम कर रहा है, बेरोजगारी न है ये। हाँ। अच्छा आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये लोग उद्योग को किस तरह से बढ़ावा दें? बढ़ावा दें ये कि मैंने जैसे मान लीजिए कि हम ये बना रहे हैं, हमको बेनिफिट दें कि हाँ पूंजी दें, हम इससे बढ़े। अच्छा आप चाहते हैं कि हमें लोन मिले ऐसा? हाँ, कम रेट पर। हाँ हम आदमी को रहकर, अब जैसे बेकार आदमी बैठा हुआ तो उसको 4 गो आदमी लेकर हम उसको भी मजदूरी दें, हम भी कमाए वो भी कमाए, है ना, उसका भी पेट भरे। अब मान लीजिए हम कम पूंजी वाले हैं तो हम लेबर कहाँ रखेंगे, रख पाएंगे? वो तो पेट बांध कर काम नहीं करेगा। तो इसको अभी पकाएंगे? हाँ आग में। आग में आज पकेगा ये। अच्छा आग में पकेगा तो कल निकलेगा। अच्छा कल निकलेगा। इसके बाद अब क्या बनाएंगे? इसके बाद बड़ा बर्तन बनेगा। इसको कौन सा बड़ा बर्तन, क्या नाम है ये? पूजा वाला। पूजा वाला सर बोलता है। हाथी भी बने हाथी बनेगा, भी बनेगा। हाँ। है ना। इसके बाद कोसा बनेगा। अच्छा चमुख बनेगा, समझ गए ना, चार मुंह वाला। क्या क्या मतलब कि वो इसका कितने में सैकड़ा देते हैं ये डेयरी? ये 100 रुपया सैकड़ा चलता है। अच्छा और हाथी? हाथी को चलता है 35 रुपया, 40 रुपया चलता है। तो आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं कि आप जाकर मार्केट में बेचते हैं? आप मार्केट में जाता है नकटियागंज मार्केट? हाँ। में गुरु को लोग आकर ले जाते हैं द्वार पर से। यहाँ आपको ऑर्डर भी लोग देता है? हाँ बहुत ऑर्डर आता है, यहाँ ऑर्डर का माले होता है। कैसा ग्राहक ऑर्डर बनाते हैं कि कोई आपके एजेंसी थ्रू ले जाता है? नहीं आपको जरूरत है कि हम कोई चीज बना दीजिए तो चीज बन जाएगा। तो क्या ये तो आप काम कर रहे हैं, क्या आपके मतलब के जो लड़के हैं ये भी काम करना चाहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहते हैं? अब अपना अपना नहीं आप सब बताए हैं। हाँ। कि सीखने पर हर चीज आदमी इंसान सीख लेता है। हाँ। अगर नहीं च्वाइस कीजिएगा तो क्या सीखिएगा? हाँ। कैसा मतलब क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्या इसमें मेहनत है? मेहनत है, ज्यादा मेहनत है। अब पैसा? अब पैसा कम है ओ, इसलिए इसलिए तो मांग। चलिए अगर आप आपके बेटे लोग नहीं सीखेंगे तो ये तो काम तो आपके आप नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ
तो आप यही चाहते हैं कि इसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा कुछ करे कि हमारे लड़के हाँ, भी सीखें। हाँ सब कोई तो दीपावली कैसा मना आपका? दीपावली बहुत बढ़िया से, ऊपर वाला के ध्यान से बहुत अच्छा बीता है दीपावली। और अब छठ के लिए क्या तैयारी है? यही तैयारी हो रहा है छठ का, ये सब पूजे का सामान बन रहा है। लगभग ये आप कम तो 40 वर्ष से करते होंगे? हाँ, पहले इसका उतना महत्व तो नहीं था ना। कब से महत्व इसका बढ़ा? ये महत्व मुश्किल से 15 वर्ष से ज्यादा बढ़ा। जैसे आदमी की संख्या जो है ना बढ़ते गया, उसी तरह ये भी इसका सामान का। ये मिट्टी तो कहीं आम जगह से मिल जाता है? खरीद कर आता है। कहाँ खरीद कर आता है? बाहर से आता है जी, मिट्टी बाहर से आता है। हाँ। जैसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से या राज्य से? ये अपने डिस्ट्रिक्ट से चंपारण से आता है। अच्छा, लेकिन जैसे बालू है बाहर से आता है, उसी तरीका से भी बाहर। कहाँ से आता है? चंपारण में आता है ये आपको मजरिया मस्ता। अच्छा, मजरिया मुजर। अच्छा, तो कैसे मिट्टी देते हैं? ये 1500 रुपया टायर गिरता है। अच्छा, 1500 रुपया टायर, 6000 रुपया टेलर। ओके, तो आप टायर से गिराए हैं कि नहीं? टेलर टायर से। अच्छा, एक टायर से हो गया? ना नहीं हुआ है, लास्ट में तो काम किया है। इस अनुराग का भतीजा हूँ।